तो यहाँ पर अगर आपकी ड्राइव की एप्लीकेशन आपके फोन में नहीं काम कर रही है, चाहे वहां पे आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो कोई चीज, या डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो या कोई चीज, या परमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मैं आपको उसका सलूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग में चले जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको मोर सेटिंग ढूंढ लेना है। अगर आपके फोन में एप्लीकेशन मैनेजर सामने ही है तो आप एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाइए, लेकिन मेरे फोन में मोर सेटिंग में एप्लीकेशन मैनेजर है, तो यहाँ से मैं मोर सेटिंग में जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजर में क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ड्राइव की एप्लीकेशन को ढूंढ लेनी है, तो यहाँ पे मेरी ड्राइव की एप्लीकेशन यहाँ पे ये रही, तो इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद एक बार यहाँ से फोर स्टॉप पे क्लिक कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज दिख रहा होगा आपको, तो स्टोरेज पर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से क्लियर डेटा कर दीजिए। बेफिक्र होके क्लियर डेटा कीजिए, क्लियर कैचे करना है आपको, क्लियर डेटा नहीं करना है। क्लियर कैचे कीजिए बेफिक्र होके, यहाँ से आपका कोई डेटा नहीं जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है और यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स आपकी परमिशन की होती है, तो यहाँ से इसे परमिशन पे क्लिक करना है और कैमरे की परमिशन, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टोरेज की परमिशन होती है, इसे दे देनी है। अगर आपके फ़ोन में पहले से ही ये सब ऑन है तो इसे ऑफ करके वापस से ऑन कर लेना है। यहाँ पर स्टोरेज की परमिशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये अगर आप नहीं देंगे तो आप कोई भी चीज़ अपलोड नहीं कर पाएंगे या कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ड्राइव से। तो उसके बाद आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको अपनी ड्राइव की एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेना है ये काम कर रही है या फिर नहीं। ज़्यादातर प्रॉब्लम परमिशन से रिलेटेड होती है और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।